तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक बहुत ही बड़ा प्लेयर को साइन किया है। यस गाइस, एफसी चैम्पियन लीग विनर, एफसी एशियन कप विनर और भाई 2018 का वर्ल्ड कप का प्लेयर भाई, मतलब वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं अपने नेशनल टीम के तरफ से, टोमी जुरिक। यस गाइस, टोमी जुरिक को जो है नॉर्थ ईस्ट ने एफसी ने स्ट्राइकर के रूप में, मतलब स्ट्राइकर ही है, नॉर्थ ईस्ट ने जो है साइन किया है और उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सुबह ही नॉर्थ ईस्ट ने एफसी ने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया जिस जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे ग्रुप पर थोड़ा बहुत पता किया, तो पता चला कि भाई नॉर्थ ईस्ट ने एफसी जो है टोमी जुरिक को जो है साइन किया है, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है भाई, मतलब एशिया का प्लेयर है, मतलब एशियन प्लेयर को साइन करना पड़ेगा ना। तो अपडेट आता ही मैं तुरंत यूट्यूब पे गया, इनके बारे में थोड़ा बहुत देखा, तो भाई मैं मतलब भाई क्या ही लाजवाब प्लेयर है, आप लोग जाकर खुद देखो यूट्यूब पे भाई, क्या ही लाजवाब स्ट्राइकर है। प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर की कमी थी हमारे टीम में और ये जो है एकदम प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर है, मतलब स्ट्राइकर के अलावा दूसरे पोजीशन में नहीं खेल सकते, मतलब मेन पोजीशन स्ट्राइकर है और स्ट्राइकर के पोजीशन में ही खेल रहा है। तो काफ़ी भाई जोआन पेद्रो बेनाली का भाई, मतलब जोआन पेद्रो बेनाली अभी नॉर्थ ईस्ट में भाई क्या कर रहे हैं भाई, मतलब सल्यूट है भाई, कितने अच्छे अच्छे प्लेयर को साइन किया। अभी जो है फैंस भी बहुत खुश हो गए यार, अभी जबा को भी है भाई, हमजे रेगरागुई को साइन किया भाई, और ऊपर से भाई एक प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर की कमी थी उसको भी साइन कर लिया भाई। तो टॉमी जुरिक के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में बात किया, तो भाई ये अपने नेशनल टीम में भी खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के नेशनल टीम में, वर्ल्ड कप के प्लेयर है भाई, 2018 के वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं, एफसी एशियन कप भाई, एशिया कप जिसमें हमारा इंडिया खेल रहा है उसका विनर भी बन चुके हैं भाई ये प्लेयर टॉमी जुरिक। तो अभी नॉर्थ ईस्ट के तरफ से खेलेंगे, मतलब कितना बड़ा प्लेयर भाई, आप लोग सोच सकते हो भाई। इनका एज जो है 32 इयर्स है भाई, मेन पोजीशन भाई फॉरवर्ड है वो तो पता चल ही गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, एशियन प्लेयर है, क्योंकि भाई हर टीम में एक ना एक एशियन प्लेयर जरूर चाहिए, और हमेद को तो भाई रिलीज़ कर दिया। तो भाई इप्सन मेलुक की रिप्लेसमेंट में भाई जोआन पेद्रो बेनाली ने एक बहुत ही मतलब तगड़ा स्ट्राइकर को साइन किया यार, सल्यूट है भाई, मज़ा आ गया यार ये प्लेयर को देख के। तो टॉमी जुरिक अभी तक गुवाहाटी शायद नहीं आया है, जल्दी आने वाला है, और आईएसएल में तो भाई ज़रूर खेलेगा, अभी आईएसएल कब से स्टार्ट होने वाला है वो तो पता नहीं, बट भाई आईएसएल में तो भाई ज़रूर खेलेगा ना। अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट भाई कितने इयर्स के लिए है, मतलब साइन किया है वो तो अभी मुझे पता नहीं चला है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई। मतलब भाई सोचो भाई क्या ही लाजवाब प्लेयर है भाई टॉमी जुरिक भाई, आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करो ना टॉमी जुरिक भाई, इनके हाईलाइट्स वीडियो आपको देखने को मिलेगा भाई, क्या ही खतरनाक प्लेयर है भाई। तो अभी जो है नॉर्थ ईस्ट को सेमीफाइनल जाने से कोई नहीं रोक सकता भाई, मतलब कतई भाई जहर है भाई, हमारा जो कोच है ना जोआन पेद्रो बेनाली भाई कतई जहर है। अभी देखते हैं भाई गोलकीपर का रिप्लेसमेंट आता है कि नहीं भाई, मेरे आदमी को रिप्लेसमेंट भी चाहिए, फैंस तो वो भी डिमांड कर रहे हैं कि मेरे आदमी को रिप्लेसमेंट लाओ, मेरे आदमी को मतलब निकाल दो और उसका रिप्लेसमेंट लाओ। बाकी देखते हैं हमारा जोआन पेद्रो बेनाली क्या करता है। बाकी चलो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।